चुनाव होने हैं और जेपी नड्डा जी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा था कि विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा था कि वो रिपोर्ट कार्ड देने वाले हैं, रिपोर्ट कार्ड लेकर आ रहे हैं। देखो, देखिए 2022 के चुनाव को लेकर ये सारी कवायद चल रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़े नेताओं का उत्तराखंड आने का सिलसिला जारी है और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब पहुंचे हैं। वो बहुत बड़ी मीटिंग यहाँ पे करने वाले हैं। सभी मोर्चों के साथ, सभी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी मीटिंग रखी गई है। कैबिनेट के मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात होनी है। इसके अलावा हरिद्वार में एक बड़ी बैठक है। सब लोग जानते हैं कि 2022 को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की रणनीति बनाकर चल रही है तो कहीं ना कहीं विपक्षी खेमे में जरूर एक हलचल सी है। हालांकि अभी नड्डा साहब निकले हैं यहाँ से, भारी बारिश हमें जोलीगंज में हो रही है। इसके अलावा पूरे क्षेत्र में बारिश है, लेकिन कार्यकर्ताओं का जोश हम देख रहे हैं कि पूरी तरीके से उनके अंदर जोश भरा हुआ है। जगह जगह स्वागत किया जा रहा है क्योंकि पूरा काफिला जो है उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, मदन कौशिक जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके अलावा तमाम कैबिनेट मंत्री हैं, तमाम बड़े नेता भाजपा के हैं और तमाम ऐसे लोग भी हैं जो कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी के चेहरे होंगे विधायक के लिए। तो बड़ी संख्या में दलबल के साथ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार आगे रास्ते में जहां जहां रायवाला में भी एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, कुछ देर वहां रुकेंगे, उसके बाद सीधे हरिद्वार जाएंगे। तो एक बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा हम बिल्कुल राजकुमार जी देखना होगा कि आपको उनके दौरे से कितना इफेक्ट पड़ता है। फिलहाल आपको बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बनिया वाला लाल तप्पड़ में स्वागत के लिए कार्यकर्ता मौजूद है, लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है और विपक्ष भी कहीं ना कहीं लगातार हमलावर हो रहा है जेपी नड्डा के दौरे को लेकर। उन्होंने कहा कि वो रिपोर्ट कार्ड लेकर आ रहे हैं और जब काम ही नहीं किया गया है तो काहे का रिपोर्ट कार्ड। इस तरीके की बातें विपक्ष द्वारा कही जा रही है। और अब बात करेंगे बाढ़ का।